ये गरीब आखिर है कौन? राहुल गांधी के महालक्ष्मी योजना के प्लान की खबर आने के बाद कुछ लोग ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इससे तो गरीबों की आदत खराब हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देंगे। ऐसी बेहुदा बातें ये कर पाते हैं क्योंकि असल में इनको पता ही नहीं कि गरीब है कौन। मान लो आप इंडिया की इकोनॉमी को आज रिबूट करते हो और जिसके पास जितना पैसा आज है वहीं से शुरुआत करते हैं, पता है 30 से 40 साल में क्या होगा? जो अमीर हैं वो आज से 60% और अमीर हो जाएंगे और जो गरीब वो तकरीबन उतने ही गरीब रहेंगे जितने वो आज हैं। हाँ, मिडिल क्लास के वेल्थ में शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, और ये बातें मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, इसका एविडेंस है हमारे पास USA में। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2007 में पब्लिश हुई ये आर्टिकल द इनइक्वालिटी कनंड्रम में अमेरिका में हुए इसी फिनोमेना पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आइए उसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 1970 से 2000 तक का डेटा है। द रिच केप्ट गेटिंग रिचर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। द हायर योर इनकम कैटेगरी द मोर योर इनकम कंटिन्यू टू ग्रो एंड फॉर अ क्वार्टर सेंचुरी ऑल बी इट विद जिग्स एंड जैग्स अलॉन्ग द वे द रिच गेट रिचर पैटर्न हैज हेल्ड। द फिगर्स आर स्ट्राइकिंग। In 2004, according to the Congressional Budget Office's latest official analysis, households in the lowest quintile of the country were making only 2% more, adjusted for inflation, than they were in 1979. Those in the next quintile managed only an 11% rise, and the middle group was up 15%. Do you sense a pattern? The income of families in the fourth quintile, upper middle class folks with an average income of $82,000 a year, rose by 23%. Only when you get to the top quintile, वर द गेंस ट्रूली बिग 63%। इस डेटा को ग्राफ में देखते हैं। इस एनालिसिस से एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट हो रहा है, ये कि गरीब गरीब है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। अब अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कास्ट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारे देश के पॉपुलेशन के एक मेजर चंक को पीढ़ी दर पीढ़ी अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखा गया। नतीजा, वो आज भी गरीब हैं। इवन दो पिछले 70 सालों में काफ़ी कोशिशें हुई हैं उनके सिचुएशन को सुधारने की। एक और बात बताऊं, आज जो अपर कास्ट वाले क्रिप करते हैं कि उनके टैक्स के पैसे गरीबों में फ्रीबीज देने के लिए बांटे जा रहे हैं, इन्हीं के पूर्वजों के वजह से वो गरीब आज गरीब हैं। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और मोदी भक्तों ने इस बात पर काफ़ी छाती पीटा है, पर वो हंस के बात टाल देते हैं जब आप उनसे GDP पर कैपिटा या इनकम पर कैपिटा की बात करें। खैर, भक्तों का तो आपको पता ही है, आइए गरीबों की बात करते हैं। वो क्या है ना, गरीब शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी रिलेटिव सेंस में होता है, तभी काफ़ी कन्फ्यूजन है इस शब्द को लेके। अब अंबानी के सामने शाहरुख खान भी गरीब है, शाहरुख खान के सामने गुप्ता जी जो कि ज्वेलरी ट्रेडर हैं चांदनी चौक में, वो भी गरीब हैं। गुप्ता जी के आगे चौबे जी जो कि पान की रेड़ी चलाते हैं, वो भी गरीब है। लेकिन इन सब में कोई भी असल में गरीब नहीं है। बचपन में मेरे दादाजी कहते थे कि हम गरीब हैं और मैं मान लेता था। अर्ली 2000s में मेरे दादाजी की पेंशन थी 60,000 तकरीबन, पर मुझे लगता था कि मुझे ब्रेड पे मक्खन कम लगाने को बोला जा रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। आज जो इंटरनेट पे बुद्धिजीव खुद को गरीब बताते हैं और फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो भी वैसे वाले गरीब हैं। क्योंकि असली गरीब पता है आपको कौन है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन का अगर डेफिनेशन आप इंडिया के संदर्भ में ढूंढने जाओ तो आसानी से नहीं मिलता। मैं 2023 के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 410 पेज का एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है, उसमें ढूंढ के थक गया, पर मुझे एक क्लियर डेफिनेशन में नहीं मिला पॉवर्टी लाइन का। कुछ इंटरनेट साइट्स की माने तो पॉवर्टी लाइन 1286 रुपये प्रति महीना अर्बन एरियाज और 1060 रुपये प्रति महीना रूरल एरियाज के लिए है। वहीं कुछ और साइट्स ये कहते हैं कि 27,000 साल से कम जो कमाता है वो है बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिए जो हायर नंबर है वो अज्यूम कर लेते हैं कि सही है। 27,000 रुपये साल का, यानी 2250 रुपये महीना और कुछ 74 रुपये दिन का। अगर इससे ज़्यादा पैसे आप कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं। एक बात बताऊँ, जो घरों में डोमेस्टिक वर्क करती हैं औरतें, वो भी इससे ज़्यादा कमाती हैं, यानी वो भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब ये नंबर एक इंसान का है। एवरेज फैमिली साइज़ इंडिया में 4.4 है, तो अगर फैमिली इनकम देखा जाए तो 1,18,800 रुपये बनता है साल का। आज से 13 साल पहले एक नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना पहला जॉब ज्वाइन किया था, और तब
मैं इस नंबर से ज़्यादा पैसे कमाता था साल का, लेकिन फिर भी हर महीना ये पैसा मुझे कम पड़ जाता था घर चलाने में। तो आप बताएं, ऐसे परिवारों को अगर महीने का 8,500 रुपये गवर्नमेंट देती है तो क्या ये काम करना बंद कर देंगे? शायद कुछ परसेंट लोग इस पैसे का सही इस्तेमाल ना करें, उड़ा भी दें। इसी वजह से महालक्ष्मी स्कीम डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि ये पैसे औरतों को दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर संभाल पाएँ और अपनी फैमिली की सिचुएशन सुधारने की भी कोशिश करें। एक और कॉमन आर्ग्यूमेंट ये आता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के जगह गरीबों के लिए फ्री हेल्थ केयर और फ्री एडुकेशन होना चाहिए। तो इस आर्ग्यूमेंट के रिप्लाई में आपको एक बात बता दूँ, फ्री एडुकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और फ्री हेल्थ केयर आप दे भी दें तो इन रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए जो पैसे चाहिए वो गरीबों के पास नहीं है। फ्री हेल्थ केयर के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पूरा दिन जाता है। अब दिन के 75 रुपये से भी जो कम कमाता है, क्या वो एक पूरे दिन की तिहाड़ी छोड़ के इलाज करवाएगा? नहीं। फ्री एडुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल हर गली नुक्कड़ में तो है नहीं, तो जो गरीब है उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को बस या रिक्शा में बैठा के उस गवर्नमेंट स्कूल तक पहुंचा पाए। ये है वो सच्चाई जो आप देखना नहीं चाहते। तो अगली बार इंटरनेट पे वेलफेयर स्कीम्स के अगेंस्ट बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि ये गरीब आखिर है कौन। Seriously, it wasn't this loud when we were starting, right? Just...